Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine. Today we are going to start our English language lecture for class 3. Now open your books. Unit number 2, The Wooden Bowl. We have already read and discussed about the story. Now move on to page number 19. First you draw the lines, mention the classwork, date and day. And write English language. English language because we are going to start our English language work. Today we are going to discuss about verb. First I will tell you about verb with the help of the definition. Here we have definition of verb. What is the verb? A verb is an action word. Ek verb jo hai wo ek action word hai. Ek wo lafz jo ke kisi line mein harkat ko ya movement ko show karta hai. It tells about the action, ये हमें action के बारे में बताता है, of the subject in the sentence, कि जो वहाँ पर काम करने वाला है, वो क्या काम कर रहा है, उस line में क्या काम हो रहा है. Means action word जो है, verb जो है, वो हमें किसी भी जुमले में काम बताता है, कि वहाँ क्या काम हो रहा है, क्या movement या हरकत हो रही है. Example, Ali is running on the road. अली जो है वो सड़क पर भाग रहा है. तो हमने अंडरलाइन किया रनिंग को बिकॉज रनिंग इज अ वर्ब. यहाँ पर क्या काम हो रहा है? रनिंग हो रही है. तो हमने रनिंग को जो है वो अंडरलाइन किया. नेक्स्ट है वी कुक फूड फॉर गेस्ट. हम मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं. तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया कुक को बिकॉज कुक जो है वो वर्ब है, हमारा एक्शन वर्ड है. नाउ मूव बैक टू द बुक वर्क. Our question number 1 is underline the verb in the following. यहाँ पर आपको एक paragraph given है, इसमें आपको verbs दिए गए हैं जिसको आपने underline करना है. Now we are going to start our paragraph. Naila sat beside the road. Naila जो है वो सड़क की side पर बैठी है. तो यहाँ पर हमने sat को underline किया because sat is a verb. She read her book. वो अपनी किताब पढ़ रही थी एंड वेटेड फॉर द बस, और बस का इंतज़ार कर रही थी. तो हमने रीड को अंडरलाइन किया और वेटेड को अंडरलाइन किया बिकॉज बोथ आर वर्ब्स. द बॉय केम पास्ट ऑन हिज बाइसिकल. वहाँ पर एक लड़का अपनी साइकिल पर आया. यहाँ पर हम केम को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज केम इज़ अ वर्ब. द व्हील ऑफ द बाइसिकल हिट अ स्टोन. उसकी जो साइकिल का व्हील था वो एक पत्थर के साथ टकराया. तो यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे हिट को बिकॉज हिट इज़ अ एक्शन वर्ड. द बाइक फेल ओवर. और उसकी बाइक जो है, जो उसकी साइकिल थी, वो गिर गई, वहाँ पर गिर गई. तो हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे फेल को बिकॉज फेल इज़ अ वर्ब. द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड इन द फ्रंट ऑफ नाइला. जो लड़का है वो हवा में उड़ता हुआ आया और नाइला के सामने आकर गिर गया. तो यहाँ पर हम वेंट को और लैंडेड को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज बोथ आर वर्ब्स. कैच अ बस नेक्स्ट टाइम. अगली दफ़ा जो है वो बस पकड़ कर आना. सेड नाइला. नाइला ने कहा. तो यहाँ पर हम कैच को और सेड को अंडरलाइन करेंगे. द बॉय स्माइल्ड एंड रब्ड हिज नी. लड़का मुस्कुराया और उसने अपने घुटने रगड़े थे. तो यहाँ पर हम स्माइल्ड को और रब्ड को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज बोथ आर एक्शन वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स. नाउ वी हैव डन अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग. यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यूज़ ईच वर्ब ओनली वंस. यहाँ पर हमें जो है उन्होंने येलो कलर का एक बॉक्स दिया है जिसमें हमारे पास वर्ब्स लिखे हैं. हमने इन वर्ब्स को नीचे दिए गए ब्लैंक्स में यूज़ करना है. उन्होंने हमें कहा है कि आप एक वर्ड को सिर्फ एक ब्लैंक में यूज़ कर सकते हैं और जो है आपने उसको अकॉर्डिंग टू टेंसेज यूज़ करना है, यानी कि आपने उसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में यूज़ करना है. एज यू नो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट वो वक्त है जिसमें हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा मौजूदा वक्त है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं. पास्ट, पास्ट क्या है? वो वक्त जो कि गुजर चुका है, मतलब जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको हम पास्ट बोलते हैं. और फ्यूचर जो के काम अभी हमने करना है, जो काम अभी हम अपने आने वाले वक्त में करेंगे उसको हम बोलते हैं फ्यूचर. नाउ मूव बैक टू द ब्लैंक्स. दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून. वो जो हैं हर दोपहर में आराम, एक घंटे के लिए आराम
करते। अब वो जो है, हमने सबसे पहले अपना वर्ब चूज़ करना है, उसको हमने चूज़ किया रेस्ट, रेस्ट को चूज़ कर लिया और यहाँ पर लाकर उसका हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ की, इसको हमने रेस्टेड कर दिया। दे रेस्टेड फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, वो हर दोपहर में आराम, एक घंटे के लिए आराम करते थे। ऐसे कि मैंने भी आपको बताया है कि पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने रेस्ट की सेकेंड फॉर्म रेस्टेड यूज़ की, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है। बी, जैसन एंड मैरी डैश विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ, जैसन और मैरी जो है वो अपने दोस्तों के साथ गार्डन में डैश कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग अपना वर्ब चूज़ करेंगे, जो कि हमने चूज़ किया प्ले। प्ले को हमने चूज़ किया क्योंकि हमें यहाँ जो है फील हुआ कि बच्चे हैं और गार्डन में हैं, तो वो प्ले ही कर रहे होंगे। अब सबसे पहले यहाँ हमें एक हिंट दी गई है, नाउ। नाउ मीन्स अभी, मतलब कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ये वो काम जो कि अभी हो रहा है। तो हमने क्योंकि प्ले को चूज़ किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे आर प्लेइंग। आर प्लेइंग हमने क्यों किया, सबसे पहले मैं आपको प्लेइंग के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है और फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो प्ले के साथ जो काम कंटिन्यू होता है, वो काम जो कि जारी होता है, उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं, उसको हम प्लेइंग कर देंगे कि बच्चे अभी खेल रहे हैं। और आर हमने क्यों यूज़ किया, बिकॉज जब हम आईएनजी वाला वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज़, आर, एम वगैरह जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ पर क्योंकि टू पर्सन्स का जो है जिक्र हुआ था, दो इंसानों का, तो यहाँ पर हमने प्लूरल की वजह से आर यूज़ किया और हमने लिखा आर प्लेइंग, जैसन एंड मैरी आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ। नेक्स्ट, सारा डैश अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू द बेड लास्ट नाइट, सारा ने जो है वो सारा दूध का ग्लास डैश किया कल रात बिस्तर पर जाने से पहले। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे वर्ब जो कि हमने चूज़ किया ड्रिंक, क्योंकि ग्लास, जो ग्लास ऑफ मिल्क हम हमेशा ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्योंकि हिंट दिया गया है लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट जो है वो यानी कि पास्ट की बात हो रही है, वो वक्त जो कि गुजर चुका है, इस वजह से हमने, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि पास्ट के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो उसको हमने ड्रिंक को ड्रैंक कर लिया। तो सारा ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू द बेड लास्ट नाइट। नेक्स्ट, शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, वो हर शाम को टेलीविजन डैश करती है, क्या करती है, वॉच करती है। टेलीविजन हम हमेशा वॉच करते हैं, इसलिए हमने चूज़ किया वॉच, और यहाँ हमने इसको कर दिया शी वॉचिज टेलीविजन एवरी इवनिंग। अब हमने यहाँ वॉचिज क्यों लिखा है, बिकॉज जो है यहाँ प्रेजेंट का जिक्र हो रहा है, और वो काम जो कि वो कंटिन्यू करती है, मतलब वो काम जो कि वो डेली बेसिस पर करती है, तो जब हम वो काम जो कि हम रोज़ाना कर रहे हैं, तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट में, जब उस वहाँ ही, शी और इट का जिक्र होता है। तो यहाँ क्योंकि शी दिया है इन्होंने हमें, तो हम वॉच को कर देंगे वॉचेज, बिकॉज ये डेली बेसिस पर काम हो रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए हमने ई एस का यूज़ किया, और शी था इसीलिए वॉचेज लिख दिया। नाउ एमन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज़ बेटर नाउ, एमन जो है उसको पिछले हफ्ते सर्दी लग गई थी लेकिन अब वो बेहतर है। सबसे पहले हमने चूज़ किया कैच, हमारा लास्ट वर्ब है कैच, तो हमने यहाँ कैच को कर दिया कोट। कोट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ दिया गया था लास्ट वीक, ये पास्ट का जिक्र है यानी कि पिछले हफ्ते का जिक्र है। एमन को पिछले हफ्ते सर्दी लग गई थी लेकिन अब वो बेहतर है, यहाँ हमने कोट यूज़ किया जो कि कैच का सेकेंड फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया था कि पास्ट के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर क्लियरली, नाउ प्लीज़ लर्न योर क्लास वर्क ऑन डेली बेसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।